हम उन महान पुलिस अफसरों की इज्जत और हिम्मत बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हिंदुस्तानी पुलिस फोर्स के नाम को चार चांद लगा दिए। इस वर्ष का प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड उस बहादुर अफसर को दिया जा रहा है जिसने 23 नवंबर को अपनी जान पर खेलकर इस स्मगलरों से लाखों रुपए की कीमत के हथियार जब्त किए और उस गैंग के कई मेंबर गिरफ्तार किए। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद सक्सेना। चल बेटा मेरा मेडल मुझे दे दे, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। हाँ डैडी, मैं इसे कहाँ खेल रहा हूँ, मैं तो इसे सीने से लगाया हूँ। लेकिन दूसरे का मेडल कोई नहीं लगाता बेटा, चल दे। डैडी, तुम्हें एक मेडल क्यों मिला? मतलब मैं जब बड़ा हूँगा तो दो मेडल लूंगा। अच्छा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। थैंक यू, लेकिन अब मेरा मेडल मुझे दे दे। अरे 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 डैडी, तुम बड़ा बड़ा स्मगलर्स को पकड़ते हो, मुझे पकड़ो तो मैं जानू। कौन पप्पू? शैतानों का सरदार है, हर दम लड़ने को तैयार है। ओ तेरे हाथों मेरा जीना दुश्वार है। डैडी तुझे तुमको मुझसे प्यार है, ओ डैडी तुझे तुमको मुझसे प्यार है। शैतानों का सरदार है, हर दम लड़ने को तैयार है। ओ तेरे हाथों मेरा जीना दुश्वार है। डैडी तुझे तुमको मुझसे प्यार है, डैडी तुझे तुमको मुझसे प्यार है। ठोकर मेज का सोना तोड़ दिया है, पर मेरा तो हर सपन सलोना तोड़ दिया है। मार के ठोकर मेज का सोना तोड़ दिया है, मेरा तो हर सपन सलोना तोड़ दिया है। और अपना भी हर एक खिलौना तोड़ दिया है, और अब जाने क्या तोड़े कोई एतबार है। डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है, डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है। सोचा था तू मेरे कितने काम करेगा, पढ़ लिख कर दुनिया में रोशन नाम करेगा। सोचा था तू मेरे कितने काम करेगा, पढ़ लिख कर दुनिया में रोशन नाम करेगा। तू तो मेरा नाम भी बदनाम करेगा, तुझको समझाने की हर कोशिश बेकार है। डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है, डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है।
का जंगल का राजा कभी मोर बनेगा, शेर का बेटा क्या इतना कमजोर बनेगा, अरे क्या जंगल का राजा कभी मोर बनेगा, शेर का बेटा क्या इतना कमजोर बनेगा, मैं सिपाही बना तू शायद तो बनेगा, क्या कहूँ तू फूल है या कांटों का हार है, तुमको मुझसे प्यार है, जिसका प्रसाद हमारे लाखों के हथियार और कुछ आदमी पकड़वा कर तुमने समझा था कि हम खत्म हो गए, हुए नहीं तो हो जाओगे। शट अप, तुम्हारी वजह से हमें हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, समझे, और इससे पहले तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये मत भूलो कि देश के साथ दुश्मनी करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और हम उस अंजाम को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तुम लोग मुझे खत्म कर सकते हो लेकिन फर्ज और कानून को नहीं, पुराने बारूद से नई चिंगारियां निकलती रहेंगी। के खून ये न समझो कि मिट गया खून का निशां भी, छिपाओगे मुंह जहां भी जाके लहू पुकारेगा आस्तीन का।